हेलो गाइस, अब हम डिस्कस करते हैं जेरंड वर्सेस प्रेजेंट पार्टिसिपल, है ना। जेरंड क्या होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होते हैं। जेरंड एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल लुक्स अलाइक बट फंक्शन डिफरेंटली। ये दोनों जो दिखते हैं वो एक जैसे दिखते हैं, लेकिन इनकी डिफरेंट मतलब इनके कार्य अलग अलग होते हैं। लेट्स सी हाउ, देखते हैं आइए कैसे इनके कार्य अलग अलग होते हैं। जेरंड इज ए वी फोर, मतलब वर्ब का चौथा फॉर्म, उसको हम आई एन जी फॉर्म ही बोलते हैं, होता है। एंड इसी तरह प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। जेरंड फंक्शन एज नाउन, जेरंड होता है, जेरंड बोलते हैं इसको, ये नाउन की तरह कार्य करता है। जबकि प्रेजेंट पार्टिसिपल फंक्शंस एज एडजेक्टिव, और प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करता है। जैसे कि मैंने एक वर्ब लिया प्ले, ये वर्ब का पहला रूप है। अगर इसको मैं आई एन जी लगा देंगे तो प्लेइंग, खेलना, तो ये जेरंड भी हो गया, और प्लेइंग, और प्लेइंग बॉय, खेलता हुआ लड़का, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। प्रेजेंट पार्टिसिपल जनरली एडजेक्टिव होते हैं, है ना। तो अब यहाँ से क्वेश्चन तो ये बनता है, कुछ जैसे सम एक्सप्रेशन दैट टेक जेरंड आफ्टर टू जनरली आस्क्ड इन एग्जाम। हमने देखा है कि टू के बाद हमेशा वी वन आता है, लेकिन ये कुछ एक्सप्रेशन ऐसे हैं जिनके बाद टू के बाद क्या आता है, जेरंड आता है, तो ये एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो मैं धीरे धीरे इन साहब को सभी एक्सप्रेशन को दूंगा, वर्ब को दूंगा, वर्ड को दूंगा, प्लीज़ तो इनको आप याद कर लीजिएगा, जिससे ये एग्ज़ाम में डायरेक्ट आते हैं, इनमें कोई समझने की ज़रूरत नहीं है, आपको थोड़ा याद करना है। आइए तो स्टार्ट करते हैं, कौन कौन से हैं। ऑब्जेक्ट टू, अब टू है तो इसके बाद क्या आना चाहिए, वी वन, लेकिन इसमें नहीं है, इसमें आता है वी फोर, यानी कि आई एन जी फॉर्म। जैसे कि आई रियली ऑब्जेक्ट टू बींग, तो बींग एक वी फोर हो गया, जेरंड हो गया, ठीक है। तो इनके बाद ऑब्जेक्ट टू के बाद क्या आता है, जेरंड। डिवोटेड टू के बाद भी क्या आता है, जेरंड। जैसे कि सम ऑफ द मनी दे रेज विल बी डिवोटेड टू रिपेयरिंग द चर्च रूफ्स। अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या, कि डिवोटेड के बाद क्या आ गया, टू, ठीक है। लेकिन टू के बाद आना चाहिए थे क्या, रिपेयरिंग, तो ये, लेकिन यहाँ पर आएगा रिपेयरिंग, जो कि बिल्कुल सही है। इसका मतलब हमको याद रखना पड़ेगा कि डिवोटेड के बाद टू आएगा तो उसमें रिपेयरिंग आएगा, तो ऐसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। एनजो के बाद जेरंड आता है, बी फॉर हम जान ही चुके हैं। अब ये आता है बी यूज्ड टू, यहाँ पर बी का मतलब क्या है, बी का मतलब यहाँ पर है इज, बी वर्ब्स होती हैं जो इज, आर, एम, वाज, वर, इनका मतलब होता है बी यूज्ड टू, मतलब आदि होना या आदत, आदत होना। जैसे आई एम यूज्ड टू डूइंग माई वर्क लेट इन नाइट, मैं अपने काम को रात में करने का आदत है मेरी, ठीक है। तो बी प्लस यूज टू हो गया, बी मतलब एम, बी का मतलब यहाँ पर क्या है, एज हो सकता है, आर एम हो सकता है, यूज हो सकता है, बता देता हूँ। ओके, यहाँ पर जो बी का मतलब है उसका मतलब एज हो सकता है, आर हो सकता है, एम हो सकता है, वॉच हो सकता है, वर भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, ठीक है। तो इनके बाद बी प्लस यूज टू आ जाए तो इनके बाद क्या आएगा, जेरंड। अकस्टम्ड टू, इसके बाद क्या आएगा, जेरंड। विथ अ व्यू टू, ये डी आर डी यू के एग्जाम में आया था इस बार, इसके बाद क्या आएगा, जेरंड। हम कन्फ्यूज जाएंगे और उनको नहीं पता होगा, क्योंकि हम देखेंगे टू और टू के बाद क्या आता है, वी वन, लेकिन ये एक्सेप्शन वाला केस है, यहाँ पर क्या आएगा, जेरंड। लुक फॉरवर्ड टू, इसके बाद क्या आएगा, जेरंड, किसी का बेसब्री से इंतजार करना। अडिक्टेड टू, इसके बाद क्या आएगा, जेरंड। तो ये कुछ ही सिलेक्ट दी हैं और मैं धीरे धीरे आगे आपको दूंगा, मैं इसलिए नहीं ज़्यादा दे रहा क्योंकि ये ज़्यादा आप याद नहीं कर पाओगे। तो कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज़ तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मैं धीरे धीरे करके इंग्लिश की सारी वोकेबलरीज लाऊंगा, तो मैं आपसे कहता हूँ कि मैं इंश्योर करता हूँ आपको कि वोकेबलरी ज़्यादा बाहर नहीं जाएंगे, मैं बहुत वोकेबलरी कराऊंगा आपको, सारी चीज़ कराऊंगा, धीरे धीरे मैं अब स्टार्टिंग कर रहा हूं, तो प्लीज़ तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।